नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है बिहार में रैली थी मोदी जी की, तो वहाँ पर जो हमारे एसएससी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जो कि इंडिया न्यूज़ वालों ने उनको कवर किया और हमारी बात जो है वो अब न्यूज़ चैनल तक भी पहुंच गई है। हमारी जो आवाज़ बुलंद की थी रणबीर सर ने, वो हमारी अब हर जगह धीरे धीरे फैलने शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, बिहार के कैंडिडेट्स ने बहुत ही अच्छी मुहिम अपनाई है। अब जितनी भी रैलियां होंगी उन सभी रैलियों में बिहार के कैंडिडेट ऐसा ही करें, बैनर लेके। जो ये मेरे भाई बैनर लेके खड़े थे जितने भी बिहार के, वो कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, बिल्कुल भारी। इस बार दिखा दिया है बिहारी भाइयों ने अपना दम। तो दोस्तों, ऐसे ही करें, जियो हो बिहार के लाला, जियो तुम हजार साला। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, काफ़ी अच्छी अपनी मांगे रखी। लेकिन दोस्तों, भारी से भारी संख्या में वहाँ पर जाओ, ठीक है। आज कैंडिडेट उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात जो है शांतिपूर्ण उनके समक्ष रखी रैली में। तो न्यूज़ चैनल वालों का ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित किया उन्होंने, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे धीरे धीरे सरकार के जहन में भी आएगा, अगर मोदी जी इसको वॉच आउट कर लेते किसी न किसी तरह, तो ये मुद्दा जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में आ सकता था। लेकिन अभी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ला दिया इस मुद्दे को। अब जितनी भी रैलियाँ हो रही हैं बिहार में, उसके लिए आप ऐसे ही करो, जितने बिहार के कैंडिडेट्स हैं सभी जाएँ, क्योंकि उनका होम स्टेट है दोस्तों, तो आराम से जा सकते हैं वो और अपनी मांग को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। अभी बिहार के जो भी नेता है वो बहुत से, कभी कोई बोल रहा है 9 लाख जो दूंगा मैं, कई बोल रहे हैं 19 लाख। तो दोस्तों, 19 लाख नहीं चाहिए हमें, 9 लाख नहीं चाहिए, बस एसएससी जीडी की जो है 60,000 जो वैकेंसी से उसे बढ़ाकर आप 85,000 ऑल फिट मेडिकल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग करवा दो, यही काफ़ी है। उसके बाद आपके जो भी प्रोपोगंडा होगा वो अपना लेना बोलना, ठीक है। चुनावी दौर में आप जो भी वायदे कर रहे हैं वो पूरा कर लेना आप, लेकिन पहले ये तो पूरा करो, 3 साल से लटका हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है रणबीर सर ने फिर से 1 नवंबर को ट्विटर प्रोग्राम रखा है आप सभी के लिए, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। पिछली बार भी काफ़ी अच्छा ट्वीट किया था, ट्रेंड करवाया था थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा साथ नहीं मिल पाया। दोस्तों, इस बार जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और जिनके कम हैं, सभी भाई लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर ट्वीट करें, ताकि सभी भाई लोगों को जो है ज्वाइनिंग मिल सके। और हाँ, दूसरी बात, जिन भाइयों ने अभी तक ट्विटर डाउनलोड नहीं किया है या उनको नहीं पता है, तो एक दूसरे से पूछ लें, कमेंट सेक्शन में पूछें, सर ट्विटर कैसे यूज़ किया जाता। आजकल सभी यूज़ करते हैं, लेकिन यही ना आलसपन, ट्वीट नहीं करते हैं कि क्या यार मेरे एक ट्वीट करने से क्या हो जाएगा। जिस प्रकार आपके एक वोट से दोस्तों सरकार बन सकती है, उसी प्रकार से आपके एक ट्वीट से आपकी ज़िंदगी भी संवर सकती है। बस ऐसे ही लगे रहो भाइयों, तभी हमारा काम जो है होगा, ठीक है। अब तो हमारी जो मुहिम छेड़ी है इसको हम अंत तक लेकर ही जाएंगे और सफल बनाएंगे इसको। तो जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, तरह तरह की आपको वीडियो आती रहती हैं और न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। दोस्तों, जो भी नई वीडियो डालूंगा बेल आइकन प्रेस की होगी, तभी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और रही दूसरी बात, रणबीर सर ने फिर से आपको एक वीडियो संदेश दिया है, वो मैं आपको वीडियो प्ले करने वाला हूँ यहाँ पर, और उस वीडियो में क्या क्या बताया उन्होंने वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं वीडियो प्ले करूँगा। और दोस्तों, दूसरी बात और एक मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी के, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें 1 नवंबर को। 1 नवंबर को फिर से करेंगे, और 1 नवंबर को हमारा ये रहेगा कि दिवाली से पहले पहले सरकार हमें एक नोटिस जारी करे, या तो वैकेंसी इंक्रीज़ का या तो ऑल फिट कैंडिडेट्स का नोटिस जारी करे, नहीं तो हम काली दिवाली मनाएंगे। जो बातें रणबीर सर ने जो मैं वीडियो प्ले करने वाला हूँ उसमें भी कही हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या बोला है रणबीर सर ने, ये वीडियो है दोस्तों, मैंने डाउनलोड कर रखी पहले से। सलूट, सलाम,
सभी सरहद के दोस्तों, आज एक बड़ी घटना घटी और उसमें एक बड़ी बात ये आई कि हमारे जो एस्पिरेंट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे। सीखे जिनको 2018 में फॉर्म भरे गए, आज तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। हम चाहेंगे कि इस तरह के जो है अभियान, जो है इस तरह का जो है शांतिपूर्ण पीसफुल प्रदर्शन तरीके से जैसे आज किया, बहुत अच्छा किया। और उसमें एक चीज और लेके घर से निकलती, जैसे हम लोग ट्रेंड करेंगे इस बार फर्स्ट आवर में 10,000 कम से कम जो है लाइक और रिट्वीट आने। ट्विटर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़े बड़े जो गृह देश के नवम्बर 1st को ओके 11 बजे कि अपने एमएलए एमपी से 5 लोगों का 6 लोगों का ग्रुप बना के ग्रुप में फोटो डालें। उन वीआईपी ने जैसा कि ऐलान किया कि हम अब 12 नवंबर को राजघाट पे होंगे, तो अपनी मांगों को ले पीटा जा रहा है। कोई कह रहा है 9 लाख देंगे, कोई कह रहा है 19 लाख देंगे रोजगार। अरे 25 बहुत जागे हैं और कल से ही जो है ये तैयारी कर दी जाए दिवाली से पहले पहले। और उसमें हम तो यही कहेंगे कि जागो पैरामिलिट्री परिवारों, जागो, पैरामिलिट्री नौकरी दी जाए, वरना जो 2/3 इसमें से पेंशन का मुद्दा भी लेंगे। और 13 दिसंबर की बात है, हम आगे झंडे के नीचे आ जाएंगे टेलीग्राम में और ट्विटर पे हम लोग एकदम सारे साथ आ जाएंगे। के साथ जुड़िए और द्रुतगति से इस मैसेज को फैलाइए। और मैं अपने जवानों को, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है वेटरन्स की, कि हम आपके मसले सरकार तक। तो दोस्तों, ये आपने रणबीर सर की जो है बात सुन ली होगी अभी, जो रणबीर सर ने कहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्विटर पर ट्वीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिहार के कैंडिडेट्स जो हैं वो रैली में इन्वॉल्व हों और अपनी बात को बैनर के थ्रू और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तभी जाके जो है वो हमारी बात जो है सरकार के जहन में आएगी। और अभी जो चुनावी मुद्दा है ना, ये इसमें ही हमारा काम हो सकता है। बिहार के कैंडिडेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जाएं वहाँ पर और हर एक रैली में पार्टिसिपेट करें। जिस तरह इस भाई ने जो बैनर है ना वो लिख के लेके गया था ना, इसी तरह से लिख के लेके जाओ बढ़िया बढ़िया बैनर आप, ठीक है, चाहे पेपर पे लिख के जाओ, चाहे फिर आप कपड़े पे प्रिंट करवा के जाओ या खुद लिख के जाओ, इसी तरह से करते रहो भाइयों, तभी आप सभी को जो है वो जॉब मिल सकती है इस बार। और इस बार 101% मिलेगी सभी को, जिस हिसाब से जो है आप सभी लोगों ने अपना जो है प्रदर्शन दिखाया है, और आगे भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं करते रहेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो 12 नवंबर को रणबीर सर ने जो राजघाट के लिए आपको आमंत्रित किया है वहाँ पर भी आएँ और भारी जनसंख्या में आएँ आप, ताकि सरकार को भी झुकना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो यारो। वंदे मातरम।